तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप आम इंसान से ज्यादा स्मार्ट हैं, कम, या फिर आप एक आम इंसान जितना ही अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं? आइए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीजें जो ये जानने में आपकी मदद करेगी कि आप आम आदमी से कितने अलग हैं। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी। अगर आप अपने सामने वाले से लंबे हैं, तो इसकी संभावना ज्यादा है कि आप अपने सामने वाले से ज्यादा स्मार्ट हैं। कई रिसर्च ये साबित करती हैं कि लंबे लोग ज्यादा कमाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि लंबे लोगों में कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और लीडर बनने की क्वालिटी दूसरे लोगों से ज्यादा होती है। अगर आप घर के सबसे बड़े बच्चे हैं, तो भी आप अपने छोटे भाई बहनों से ज्यादा स्मार्ट ही होंगे। ये साबित किया गया है 2.5 लाख मिलिट्री सोल्जर के आईक्यू टेस्ट को लेकर, जिसमें जो सोल्जर घर के सबसे बड़े बच्चे थे, उनका आईक्यू अपने छोटे भाई बहनों से 4-5 पॉइंट ज्यादा ही था। वैसे इस इंटेलिजेंस का जीन से कोई लेना देना नहीं कि पहले पैदा हुए बच्चे को अपने माँ बाप का पूरा टाइम और अटेंशन मिलता है, इसीलिए उनके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। एक और बात जो आपको दूसरे से स्मार्ट बनाती है, वो ये है कि बचपन में क्या आपकी माँ ने आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराई थी, या फिर आपको बॉटल से दूध पिलाया गया था। कई रिसर्च ये साबित करती हैं कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, उनका आईक्यू, उनकी एजुकेशन और उनकी इनकम भी बाकी लोगों से ज्यादा होती है। भले ही सुबह उठना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, पर अगर आप रात में जागने वाले लोगों में से हैं, तो आप बाकियों से ज्यादा क्रिएटिव और स्मार्ट होंगे। अगर आपको पढ़ाई की बातों से टेंशन होती है, तो आप ऐसे एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे जहां आपको कुछ लिखना या बोलना पड़े, पर अगर आपको अपनी पढ़ाई की चिंता नहीं होती, तो आप ऐसे एग्जाम में अच्छा करेंगे जिसमें आपका शरीर काम करता हो, जैसे कि स्पोर्ट्स। अगर आप दिन में ख्वाब देखते हैं या ख्यालों में खो जाते हैं, तो भी आप दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा दिमाग होता है, वो अपने दिमाग को भटकने से नहीं रोक पाते और अपने दिमाग को खुद सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप लेफ्टी हैं, तो आप दूसरे से ज्यादा क्रिएटिव होंगे, क्योंकि लेफ्टी लोगों के दिमाग का राइट हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है, और ये हिस्सा वही होता है जो इंसान को क्रिएटिव बनाता है। अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो भी आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, और ऐसे लोग अपने ऊपर आई परेशानियों को भी आराम से बैलेंस कर लेते हैं। अगली चीज आती है स्मोकिंग। स्मोकिंग ना सिर्फ आपके फेफड़े खराब करती है, पर साथ ही आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती है। कई स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जो स्मोक नहीं करते, उनका दिमाग स्मोकिंग करने वालों से ज्यादा तेज दौड़ता है। तो आपने देख ही लिया कि जब स्मार्टनेस की बात आती है, तो आप कितनी सारी चीजों से दूसरे से अलग हो सकते हैं। वैसे इनमें से कौन कौन सी चीजें आप पर सही बैठती हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अद्भुत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी।